हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सब मस्त और स्वस्थ होंगे अपने अपने घर में। तो आज तारीख है 30 नवंबर, दिन है बुधवार का और टाइम है ये लगभग 10 बजे का टाइम है। और एक बार फिर से पहुंच चुके हैं चेयरमैन साहब के घर पे, उनको बधाई देने के लिए आए हुए हैं ये किन्नर समाज से। तो इनका जो होता है कि भाई बधाई देने आते हैं, शादी हो, बेटा हो या कोई कुछ भी, इलेक्शन वगैरह में जीते तो ये बधाई देने आते हैं। तो ये अपनी बधाई गाते हैं और जो इनका बनता है वो लेके जाएंगे। तो मैं बता दूँ, आपने यहाँ से इनको दिए हैं 5100 रुपये और 5100 रुपये में ये बहुत खुश होके गए हैं, सबको बहुत सारी दुआएं देके गए हैं। जैसे इनकी बददुआ लगती है लोगों को, वैसे इनकी दुआ भी बहुत काम आती है। सबको बहुत दुआ दे के गए हैं, 5100 रुपये में बहुत खुशी खुशी से गए हैं। सबकी बोल रहे थे जोड़ी भर के जाते हैं ना, वो गोद भराई वाली वो भी करके गए हैं बहुत ही। इनमें इनका कोई दोष नहीं है, ऊपर वाले की मर्जी है इनको ऐसा बनाया। हेलो बेरा, हम भी ले लिया चावल तो। चावल और दे दीजिए। कितने दिन हो रही है? ये राखी हो रही खड़ी दे दे सब ले। मैंने भी दे दियो। तुम तो इतनी देर करो, मुझे यहीं रख लो तुम लोग। यही रह जा, मैं जाओ यही क्या दिक्कत है? ए सुनीता ले, फिर आन के छोर मारन चाची एक छोर आन ब्याह एक एक को एक एक को कहिया के फिर आइए। तो अभी शाम के 6 बज चुके हैं और खाने की तैयारी हो गई है शुरू। तो आज बन रही है सेम फली और आलू की सब्जी। सेम फली है ये, पड़ोस से ही आई थी घर पे, बेल उगी हुई है इनके यहाँ। तो सच में
भाई सबको ये सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत ही ज़्यादा। तो सबसे पहले कढ़ाई रख ली है गैस पे, तेल गर्म हो गया है, उसमें डाल दिया है हींग और जीरा, फिर डाल दिए हैं लंबे लंबे काट के प्याज, प्याज हमारे भुन जाने के बाद हमने डाल दिया है यहाँ हरी मिर्च और टमाटर, इनको अच्छे से पकाएंगे और फिर इसमें डाल देंगे सेम फली और आलू। आलू है ये बहुत टेस्टी वाले आलू हैं, एडिटिंग बाद में हो रही है, नए आलू आ गए हैं, तो नए आलू हैं ये, जिनको गर्म पानी से धो तो छिलका जो इनका ऊपर का है वो आसानी से हट जाता है। तो यहाँ मैंने सूखे मसाले डाल दिए हैं जो अपने रूटीन के होते हैं, नमक और हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर। तो अभी चला ली है मैंने चक्की, सब्जी छोंक दी है, आटा लगा लिया है और चूल्हे पे दूध गर्म कर लिया है, आज जला दी है रोटी बनाने के लिए। तो साथ के साथ में जो चक्की है वो चलती रहेगी, एक दो गड़े जो बीच में छाटने हैं वो मैं छाट दूंगी, कभी योगी है मुँह छाट देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यह है, एक बार शुरू में आटा चेक करना था कि सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि चक्की बहुत दिन में चलाई है आटे पे, तो सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो घर की चाक्की से आज आटा पीस रहे हैं, तो एक पैर चूल्हे आगे है, एक रसोई में है और एक चक्की के पास है। अब कमेंट करके बताना कि मेरे कितने पैर है। तो फटाफट से बना लेते हैं रोटी, आप सब भी आ जाओ खाने के लिए, दूध रोटी और सब्जी, गुड़ चाहे तो गुड़ ले सकते हो। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड।